मित्रों, ज्योतिष रतन लाइव के आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज आपके साथ चर्चा करेंगे आप जो कर्क राशि के जातक हैं उनके माह फरवरी 2019 के राशिफल के विषय में। लेकिन इससे पहले कि आप कर्क राशि के जातकों का माह फरवरी 2019 का राशिफल की चर्चा करें, उससे पहले जानना ये आवश्यक हो जाता है कि आप कर्क राशि के जो जातक हैं उनकी ग्रहों की में गोचर स्थिति क्या कहती है, ग्रह गोचर स्थिति। तो सबसे पहले बताएंगे कि सूर्य जो कि अभी मकर राशि में स्थित हैं और मकर राशि आपके कुंडली के सेवेंथ हाउस यानी कि सप्तम भाव में है और 13 फरवरी को ये अपनी राशि परिवर्तित करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी शत्रु राशि भी है कुंभ राशि। और कुंभ राशि आपके कुंडली के एट्थ हाउस यानी के अष्टम भाव में है। तो कह सकते हैं कि 13 फरवरी को सूर्य आपके कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं कुंभ राशि में। मंगल जो कि अभी मीन राशि में स्थित हैं और मीन राशि आपके कुंडली के नवम भाव यानी के नाइन्थ हाउस में है, लेकिन 5 फरवरी को ये भी अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं मित्रों। और अपनी राशि परिवर्तित करके ये अपनी स्वयं की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और मेष राशि आपके कुंडली के टेंथ हाउस यानी के दशम भाव में है और यहाँ पर ये रूचक योग बनाएंगे। बुध जो कि वर्तमान में अभी अस्तावस्था में हैं और अपनी मित्र राशि मकर में स्थित हैं, जैसा कि अभी आपसे हमने कहा था कि मकर राशि आपके सेवेंथ हाउस यानी के सप्तम भाव में है, लेकिन 7 फरवरी को ये भी अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं और परिवर्तित करके ये अपनी ही मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। और कुंभ के विषय में भी हम बता चुके हैं कि आपके कुंडली के अष्टम भाव यानी के एट्थ हाउस में है। और 25 फरवरी को ये फिर अपनी राशि परिवर्तित करने वाले हैं मित्रों और ये अपनी राशि परिवर्तित करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ पर इनकी ये नीच की राशि है और इनकी शत्रु राशि भी है और मीन राशि आपके कुंडली के नवम भाव यानी के नाइन्थ हाउस में है। और इसके अलावा 16 फरवरी को बुध पश्चिम में उदय होंगे। बात करते हैं गुरु बृहस्पति के विषय में। तो मित्रों, गुरु बृहस्पति पूरे माह फरवरी में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में स्थित रहेंगे और वृश्चिक राशि आपके कुंडली के पंचम भाव यानी के फिफ्थ हाउस में है। बात करते हैं शुक्र के विषय में। शुक्र अभी वर्तमान में धनु राशि में स्थित है और धनु राशि आपके कुंडली के षष्टम भाव यानी के सिक्स हाउस में है और 24 फरवरी को ये भी अपनी राशि परिवर्तित करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये इनकी मित्र राशि है और मकर राशि, जैसा कि हम अभी आपसे इसका हमने वर्णन किया है कि ये आपके कुंडली के सेवेंथ हाउस में है यानी के सप्तम भाव में। आगे बताते हैं कि शनि पूरे माह फरवरी में धनु राशि में ही बने रहने वाले हैं और धनु राशि आपके कुंडली के षष्टम भाव यानी के सिक्स हाउस में है। इसी प्रकार राहु भी पूरे माह कर्क राशि में ही बने रहेंगे। कर्क राशि आपके लगन में है यानी के कुंडली के प्रथम भाव यानी के फर्स्ट हाउस में। केतु आपके कुंडली के सप्तम भाव यानी के सेवेंथ हाउस में मकर राशि में ही बने रहने वाले हैं पूरे माह। तो मित्रों, यह तो था ग्रहों की गोचर स्थिति आप कर्क राशि के जातकों की। आगे अब आपसे चर्चा करने वाले हैं विस्तार में आपके राशिफल के विषय में। तो आइए जानते हैं राशिफल। तो मित्रों, सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इस माह फरवरी में आपके व्यवसाय के हालात कैसे रहने वाले हैं, चाहे आप व्यापार से जुड़े हैं चाहे आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो आपका कैसा रहने वाला है माह फरवरी अपने व्यवसाय को लेकर के। तो इस माह आपके व्यवसाय के विषय में बताना चाहेंगे कि माह के पूर्वार्ध से यानी कि माह के आरंभ से और माह के अंत तक आपके जो व्यवसाय के हालात हैं काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। ये एक अच्छी आपके लिए खुशखबरी है और ग्रहों का अनुकूल प्रभाव होने के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे और कर सकेंगे तथा आपको आगे बढ़ने के लिए भी अच्छे अवसर प्रदान होंगे। अगर आपका प्रमोशन पिछले काफ़ी समय से रुका हुआ था या रुका हुआ है, तो अगर आप उसके लिए प्रयास करते हैं तो आपको उसका भी अपने कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त हो सकता है यानी कि आपको प्रमोशन भी मिल सकता है।
अगर आप सही दिशा में उसके लिए कोशिश करेंगे गंभीरतापूर्वक। अगर आप व्यापार करते हैं और जमीन जायदाद या किसी तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप इस अवसर का लाभ प्राप्त कीजिएगा, आपको इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो मित्रों, यह था आपका व्यवसाय के विषय में। अब आके चर्चा करेंगे आपकी वित्तीय स्थिति के विषय में। आपकी आय के तो अच्छे साधन बने रहने वाले हैं इस माह, इसमें तो कोई दो राह नहीं। और इसके अलावा आप कोई जमीन जायदाद वगैरह भी खरीद सकते हो इस माह। इसी के साथ आप अगर चाहेंगे तो अपने लिए धन का भी अच्छा खासा संचय कर सकेंगे। तो मित्रों, प्लानिंग कीजिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। यह माह आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपकी इनकम के लिए, आपके फिनेंशियल जो आपकी चीज़ें हैं उनके लिए, आपकी इनकम के लिए इसका आप लाभ प्राप्त करें। हम आपसे इतना ही कहेंगे, आगे चर्चा करेंगे आपके प्रेम संबंधों के विषय में। तो अगर आप अपने प्रेम संबंधों में हैं मित्रों, तो इस माह आप अपने संबंधों को लेकर काफ़ी उत्साहित रहने वाले हैं। और अगर आप अपने लिए प्रेम संबंध बनाने के लिए इच्छुक हैं, तो अगर आप अपनी ओर से प्रेम का प्रस्ताव रखते हैं तो इसमें आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। मगर ये संबंध वैवाहिक संबंधों में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। सिर्फ प्रेम तक ही बात सीमित रह सकती है। अगर आप विवाहित हैं तो आपके पार्टनर का स्वास्थ्य इस माह प्रभावित होगा, इस ओर आपको ध्यान देने की भी आवश्यकता रहेगी। अपने पार्टनर का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी और कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। आगे आपसे चर्चा करेंगे आपकी संतान के विषय में। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि इस फरवरी माह में आपकी संतान से संबंधित कैसे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। तो इस माह आपकी जो संतान है उससे आपको निराश तो नहीं होना पड़ेगा, देखिए। लेकिन अगर आप अपनी संतान से ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे परिणामों की उम्मीद करते हैं तो ये उनके साथ कुछ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी भी हो जाएगी। तो हम आपको यही कहेंगे, हमारी यही सलाह है कि उनसे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे परिणामों की उम्मीद ना करें तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा, आपके लिए मेंटल पीस रहेगी। लेकिन सामान्य से ऊपर परिणाम प्राप्त होने के योग पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस महासंतान की प्राप्ति चाहते हैं तो संतान तो आपको प्राप्त होगी, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत तकलीफों के बावजूद। आगे चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के विषय में। तो मित्रों, सामान्यतः यह महा जो है आपके स्वास्थ्य को लेकर के ठीक रहने वाला है, ठीक निकलने वाला है। लेकिन इस बात के पूरे संकेत मिल रहे हैं ग्रहों की ओर से कि आप पेट संबंधित, चेस्ट संबंधित भी थोड़ा बहुत व्याधियों से परेशान रह सकते हैं। थोड़ा अपना नियमित रूप से अगर चेकअप कराएं और अपना रूटीन ठीक रखें, अपनी जो दिनचर्या है उसको भी थोड़ा ठीक से चलाएं, तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है। उपाय ऐसे क्या किए जाए, तो हम आपको इतना ही कहेंगे कि शिव सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपके लिए इससे अच्छा और उपाय इस माह नहीं हो सकता। आप ये कीजिएगा और लाभ प्राप्त करते रहिएगा इस माह। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसके साथ साथ जो बेल बटन है उसको भी पुश कीजिएगा, उसको दबाइएगा ताकि जो भी हमारे आगामी नवीन वीडियोज़ हैं या नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें और आप उनका समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। यही आपसे हमें अनुरोध है। इसी के साथ धन्यवाद। जय माता दी।